नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं आपके साथ प्रतीक्षा वर्मा। रुक करते हैं प्रदेश की अहम खबरों का। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में यूपी के 3 क्षेत्रों पश्चिमी यूपी, अवध और बुंदेलखंड में मतदान होगा। इसमें पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी एवं एटा और कासगंज हाथरस की 19 विधानसभा सीटें हैं। जी आपको बताते चले, इसके अलावा अवध क्षेत्र के कानपुर देहात, औरैया, फरुखाबाद, कन्नौज और इटावा की 27 विधानसभा सीटें तथा बुंदेलखंड इलाके में झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा जिले में 13 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए यह चरण सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो सत्ता में उनकी वापसी का रास्ता साफ कर सकता है। वहीं बीजेपी के लिए भी यह चरण काफी अहम है, क्योंकि पहले 2 चरणों में काफी मुश्किलें से घिरी दिख रही और बीजेपी के लिए इस चरण में जनता का रुझान संजीवनी का काम कर सकता है। वहीं 2017 में हुए पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहां की 59 में से 49 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं समाजवादी पार्टी के हिस्से में 8 सीटें आई थी, जबकि कांग्रेस और बीएसपी को सिर्फ 1-1 सीट ही मिली थी। ऐसे में बीजेपी जहां अपने पिछले स्ट्राइक रेट को बेहतर बनाने की उम्मीद में है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इस चरण बेहतरीन प्रदर्शन का दावा कर रही है। जी आपको बताते चले, हालांकि इस चरण के 16 जिलों में से 9 जिलों यादव बाहुल आबादी वाले हैं, इसीलिए इसे यादव लैंड भी कहा जा सकता है। इसीलिए इसे यादव लैंड की भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा और एटा जैसे जिले शामिल हैं। हालांकि वर्ष 2017 के चुनाव में यादव बाहुल 30 सीटों में से समाजवादी बस 6 सीटें ही जीत पाई थी। सपा के इस सबसे खराब प्रदर्शन के पीछे यादव विरोधी वोटों का ध्रुवीकरण होना बताया गया है। वो 2017 के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व की लहर पर सवार बीजेपी को इसका साफ फायदा दिखा था। यही वजह है कि भगवा दल इस बार भी मुसलमान और दंगे जैसे शब्दों को जोर शोर से उछाल रही है। इसके अलावा हाल के दिनों में हिजाब को लेकर भी जोर शोर हो रहा है। वहीं यादव बाहुल इलाकों को साधने के लिए बीजेपी परिवारवाद का मुद्दा भी जोर शोर से उठा रही है।